हेलो दोस्तों, ये आज मेरे पास एक कीपैड मोबाइल है जिसमें कि हाफ शॉटिंग है। तो इसकी मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी आसान तरीके से शॉटिंग कैसे निकालते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट कर दिया हूँ। ये देखिए, बीप की रेंज में सेट कर दिया हूँ। तो मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, ग्राउंड के साथ एक प्रोब ग्राउंड पे रखना है और दूसरा ये देखिए, जीरो जीरो आ रहा है। प्रोब बदलने पर देखिए, प्रोब बदलता हूँ मैं अभी। ये देखिए, यहाँ पर भी जीरो जीरो आ रहा है, मतलब ये सेट फुल शॉट है। सॉरी, मैं आपको बीप की आवाज़ नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो शूट करने के बाद ऑडियो डाली है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि मेन मेन जो कैपेसिटर है, जहाँ पे सीधी फीडबैक की सप्लाई जाती है, उनको पहले चेक करना है। तो मैं उन कैपेसिटर को अभी चेक कर लेता हूँ, जैसे कि चार्जिंग आईसी, और सॉरी चार्जिंग आईसी, नेटवर्क आईसी और अपने जो भी बैटरी कनेक्टर के पास जितने भी कैपेसिटर है उतने चेक करने हैं। तो देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ। तो मुझे बैटरी कनेक्टर के पास एक और अपना नेटवर्क आईसी के पास एक दो कनेक्टर जो सॉरी दो कैपेसिटर शॉर्ट मिले हैं। ये देखिए, ये एक और ये एक, ये दो शॉर्ट मिले हैं। तो आपको गौर से देखना है, जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो एकदम फ्रेश, ज़्यादातर केस में एकदम फ्रेश नहीं होता वो। ये देखिए, दोनों तरफ से चमक रहा है कि ये कैपेसिटर एकदम फ्रेश है। और यह एक कैपेसिटर है, मैं दिखा दूँ तो आपको, देखिए एक तरफ से काला हो गया है और दूसरी तरफ से एकदम फ्रेश है। जूम करके देखा था तो मैं, ओके सॉरी। हाँ, ये देखिए, एक तरफ से काला हो गया, ये एकदम फ्रेश है, ये देखिए। तो इस कैपेसिटर को मैं अभी निकाल दूंगा। देखिए, ये जो कैपेसिटर है उसको मैं निकाल दूंगा अपना बैटरी कनेक्टर वाले के पास। तो ये दो ही कैपेसिटर मुझे शॉर्ट मिले हैं, क्योंकि मैं पहले बैटरी कनेक्टर के पास जो कैपेसिटर है उसको निकाल दूंगा। देखिए, एक तरफ से काला हो गया है और दूसरी तरफ से एकदम फ्रेश है। चलिए, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। एकदम आराम से निकालिए, हो सके तो सोल्डरिंग आयरन से निकालिएगा। तो मैं इसे तोड़ देता हूँ, पहले ठीक से चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम उसी में है। ये देखिए, इससे नहीं टूट रहा, कोई और ले लेता हूँ। ये देखिए, टूट गया एकदम आराम से, टूट गया क्योंकि वो ख़राब हो गया था, उसके लूज शॉर्टिंग की वजह से, करंट की वजह से लूज हो गया था थोड़ा एक साइड से। देखिए, अब मैं आपको एक कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर में शॉर्ट है या नहीं। देखिए, जब भी मल्टीमीटर पे जीरो जीरो आएगा, सॉरी मल्टीमीटर दिखाता है, सॉरी एक, ये देखिए मल्टीमीटर दिखाता हूँ मैं। मल्टीमीटर में देखिए आप, मल्टीमीटर, हाँ ये देखिए, मल्टीमीटर पर रख देता हूँ उसको। ये देखिए, फुल शॉट है,
ये रीडिंग लूज कांटेक्ट में, मतलब मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए रीडिंग ऐसे आ रही है। ये देखिए फुल शॉट है। तो अभी हम मोबाइल को चेक करेंगे कि शॉटिंग हट गई या नहीं। एक तरफ से रीडिंग आ रही चाहिए और एक तरफ से नहीं। ये देखिए रीडिंग आने लगी, पहले 0-0 आ रही थी और प्रॉप बदलने पर कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए देखिए प्रॉप बदलने पर कुछ भी नहीं आ रहा, एक तरफ से रीडिंग आ रही है। एक सिंपल सा तरीका है कि आप जान सकते हो, आप जो भी कैपेसिटर शॉर्ट मिले उसको मत उखड़ना, क्योंकि सारे कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होते, उसके लाइन के कैपेसिटर ही एक शॉर्ट हो गया तो पूरे शॉर्ट दिखाते हैं। देखिए मैं आपको मोबाइल ऑन करके दिखाता हूँ। अभी ये एक मैंने मल्टीमीटर पर डीसी पावर सप्लाई बनाया था छोटा, उसका वीडियो भी डाल दिया। देखिए मोबाइल चालू हो गया, पहले मोबाइल बंद था, चालू नहीं हो रहा था। इसकी बैक लाइट थोड़ी ये आ रही है शायद, हाँ डिस्प्ले ठीक से नहीं बैठा है बैक लाइट। देखिए मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए मोबाइल चालू हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।